देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन होने पर राज्य कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंडी में एकत्रित होकर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को फूलमाला अर्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके प्रति अपना शोक व्यक्त किया। मंडी जिला कांग्रेस पार्टी कमेटी की तरफ से राज्य कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज बहुत दुख के साथ हम स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और पिछले कल उनका निधन हुआ 84 साल की उम्र में। और भारतवर्ष जहाँ पर कांग्रेस पार्टी को उनके निधन पर दुख हुआ, वहाँ पर पूरे भारतवर्ष में उनके जाने से क्षति हुई है। हम कांग्रेस परिवार उनके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की क्षमता दे। और वो एक ऐसे जहाँ वो राष्ट्रपति रहे भारतवर्ष के, वहाँ पर कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने हिंदुस्तान में काम किया और उनकी यादें पूरा भारत जो है करता रहेगा और हमारी जीवन हमारी जो पीढ़ी है वो भी याद करती रहेगी, यही हमको कहना है। जिला अध्यक्ष INTUC व वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस मंडी, there is a sense of sadness in the entire country because we have lost a very excellent spokesperson, excellent intellectual president of India, who was not even a successful politician, but was a scholar of the country. He just at every crucial stage guided the country correctly, even guided the Honorable Prime Minister Modi ji, being of different philosophy and a staunch congressman. We pay him that his soul should rest in peace and the country and his family may be given courage by Almighty to bear this irreparable loss. Thank you.